चाहते हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाए आपकी बार, वो आप लोग बता दो, सब लोग चाहते हैं ना, तो आपकी बार एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी। और बिजली का जो मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं टाइम ले लेता हूँ, डीजीएम को बुला लेता हूँ, आप 5-7-10 लोग आ जाना और इस समस्या का हम समाधान करा देंगे। हम आपको कहने जा रहे हैं आगे बात, आप सब लोग आ जाना तो हम इसका समाधान करा देंगे। और कौन लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाए आपकी बार, वो आप लोग बता दो, सब लोग चाहते हैं ना, तो आपकी बार एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल को लाना है और झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना है। आपको सच बता रहा हूँ, अगर एमसीडी में केजरीवाल आ गए तो बहुत कुछ बदल जाएगा, दिल्ली बहुत साफ सुथरी होगी। आज ये स्थिति एमसीडी की आ गई है कि पिछले 17 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, हॉर्टिकल्चर वाले हड़ताल पे है, डीवीसी वर्कर हड़ताल पे है, पूरी एमसीडी हड़ताल पे है। कारण क्या है? केवल उनको तनख्वाह नहीं मिली 6-6 महीनों से। तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? सारा पैसा तो ये लोग खा गए। एक बात बताओ, सारा पैसा वाले खा गए, तनख्वाह कहां से मिलेगी? तो आप सब लोगों को देखना है कि एमसीडी में अगर हमारी सरकार आती है तो नगर निगम के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे। जैसे दिल्ली की शिक्षा का डंका आज पूरे देश के अंदर बज रहा है। आप लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? किसके पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल बदले हैं नहीं बदले? बदले हैं। बदले हैं नहीं बदले? बदल गए ना। अगर स्कूल बदल गए, अगर दिल्ली सरकार के स्कूल बदल सकते हैं तो एमसीडी के स्कूल ही बदल सकते हैं। अगर दिल्ली सरकार के स्कूल में बदल सकते हैं तो एमसीडी के स्कूल ही बदल सकते हैं। आप सब लोगों को झाड़ू के सामने वाला बटन दबा के अब की बार नगर निगम में एमसीडी में केजरीवाल को लेके आना है। एमसीडी में भी तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब 6 इंची पाइपलाइन डल चुकी है, जोड़ने का काम जारी है। मुझे लगता है कि जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर हर गली के अंदर लाइन को जोड़ दिया जाएगा और आपके घर तक पानी पहुंचने का काम होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एमसीडी में बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आने वाले समय में झाड़ू का बटन दबाना और आम आदमी पार्टी। मुद्दे हैं आपकी बार एमसीडी में सफाई का, एमसीडी के भ्रष्टाचार का, सफाई कर्मचारियों की सैलरी का और हाउस टैक्स का, ये मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन का है कि आज एमसीडी के स्कूलों को, एमसीडी की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेचा जा रहा है, उनको नीलाम किया जा रहा है। उनका साल भागता हुआ साल है, कुछ समय बचे हैं, वो चाहे जितनी संपत्ति बेच के भाग सके भाग ले। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब की बार आने वाले चुनाव में दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि एमसीडी में केजरीवाल को आम आदमी पार्टी। सर, कई लोगों से हमने बात हो तो कहते बढ़िया काम किया, मुझे की होगी नाम का विचार हो, उनका बंद हो। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ संख्या में खड़े हुए हैं, आज छोटा गाना में सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा, केजरीवाल सरकार को लाना होगा। वही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो एमसीडी का भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। और ईमानदार सरकार, ईमानदार कूड़े के ढेर की सफाया, गलियों का साफ सफाई। और सफाई कर्मचारी आंदोलन में बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके तनख्वाह के पैसे सारे मेयर और भाजपा के लोग मिलकर खा चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट हो रही है, सफाई कर्मचारी पेमेंट नहीं हो रही है। वो सफाई कर्मचारी मन बना चुके हैं, हॉर्टिकल्चर वाले मन बना चुके हैं, डीवीसी वर्कर मन बना चुके हैं, गाँव देहात सब लोग मन बना चुके हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में एमसीडी में केजरीवाल, अभी कुछ दिन में दिल्ली में चुनाव है, आने 1 महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव होने, और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अब यार एमसीडी में केजरीवाल।